अपने कहा हकदार अली है, किसके निकाह में है तू ये जारा। रब ने कहा हकदार अली है, अहमद है इतबार खुदा का, अहमद है इतबार खुदा का, अहमद का इतबार, अहमद है इतबार खुदा का, अहमद है इतबार। ये 13 मरले का प्लॉट है, ग्राउंड प्लस 6 है और इसमें ज़्यादातर 1 बेड है और 6 फ्लोर पे इसके 2 बेड हैं और यहाँ पर बाकी प्रोजेक्ट्स में की निस्बत इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमने ये की है कि यहाँ छोटे प्रोजेक्ट में रिसेप्शन और ये चीज़ें लाइवी नहीं दी जाती, तो हमने स्पेशल तमाम फ्लैट्स वालों के लिए अपना 600 स्क्वायर फुट एरिया जो है वो हमने उसको रिसेप्शन और ये चीज़ें दी है ताकि कोई भी अपार्टमेंट के जो लोग रह रहे हैं उनका गेस्ट आए कुछ भी आए तो वेटिंग एरिया में ईजीली उनके आने तक वो बैठ सकते हैं। कल इसको हम मेंटेन भी खुद कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इनका गार्ड और अदर मैनेजमेंट उसको इजी रिसेप्शन पे वो मैनेजमेंट इजी कर सकें और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये सोच रहे हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट करना है, ये एक मिसाली प्रोजेक्ट हमने तैयार करके देना है इंशाल्लाह। तो इससे पहले भी मैं प्रोजेक्ट शूट काफ़ी किए हैं वाकेंट उस साइड पे छोटे छोटे, यहाँ पर मेरा पहला प्रोजेक्ट है और ये इंशाल्लाह हम एक मॉडल और टाइम पे हम डिलीवर इंशाल्लाह करेंगे। 13 हाइट्स बेसिकली ग्राउंड प्लस 6 प्रोजेक्ट है, बेसमेंट के साथ ही 8 फ्लोर हैं तकरीबन और ये 13 मरले का प्रोजेक्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक छोटा प्रोजेक्ट है और कम लागत का प्रोजेक्ट है। इसमें इसको लेने के लिए आपको बहुत बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, छोटे बजट में भी इसमें सारे फ्लैट्स 1 बेड स्टूडियो 2 बेड अवेलेबल हैं। कमर्शियल में हमारे पास शॉप्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं और फर्स्ट फ्लोर जो है सेमी कमर्शियल है हमारा, उसमें आप हम ब्रांड जो कोई ब्रांड्स हैं उनको लॉन्च करेंगे, होटल वगैरह या जिम जिमनेजियम कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे वहाँ पर। और रेट्स के हिसाब से ये एक कम बजट का प्रोजेक्ट है, हर बंदे की अप्रोच में सक्सेसफुल करेंगे इसको तो ये इंशाल्लाह ये बहुत कम पैसों में हर एक को डिलीवर करेंगे और लोग लेने की पोजीशन में होंगे। बाकी यहाँ की जो इसकी स्पेशलिटी है वो इसकी सबसे बड़ी चीज़ एनवायरनमेंट और वेंटिलेशन है। इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने अपनी जगह के मार्जिन को कम किया है, ज़्यादा स्पेस छोड़ी है, क्या कॉरिडोर में, लॉबी में, इसके टेरेस में, हर जगह पर हमने कोई एक्स्ट्रा जगह इसके अंदर इंटर नहीं की, अपनी जगह में से जगह छोड़ के तो हमने इसको तैयार करवाने के लिए तरकीब दी। कैश है या कोई साथ वाला मामला? इसमें कैश भी है, इंस्टॉलमेंट भी है और जैसे किसी को आसानी होगी इंशाल्लाह हम उसको इसी तरीके से डिलीवर करेंगे। मिनिमम जो अपार्टमेंट है वो कितने का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा? मिनिमम इसमें तकरीबन 49,50,000 से है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 बेड पे ले जाएं तो वो 1,31,00,000 1,24,00,000 इस मालियत में है, जिसमें ये आपके आ जाएंगे इंस्टॉलमेंट पे 30% इंस्टॉलमेंट है इसकी डाउन पेमेंट पे और 50% 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, 20% इसका ऑन पोजेशन है और ये 18 महीने का प्रोजेक्ट है जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह 15 मंथ के अंदर अंदर डिलीवर करेंगे। इसके लिए हमें इसमें 24/7 काम करना पड़ा, हम तब भी करेंगे, लेकिन इस खत्ते में या इस एरिया में हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है और हम इसको हर सूरत इंशाल्लाह 15 मंथ के अंदर अंदर डिलीवर देंगे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा। पहले हमारे टेक्सला में थे, न्यू सिटी में, वहाँ पर 3-4 प्रोजेक्ट हमारे वहाँ पर थे, लेकिन उस एरिया में और इस एरिया में बहुत बड़ा सबसे बड़ा रेंटल मार्जिन यहाँ पे ये है कि आपका वहाँ पे कोई फ्लैट अगर किराए पे नहीं लगता, हमने बनाया है वो फ्लैट किराए पे लगते नहीं है या रुकते रहे सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे इस एरिया की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको खाली बिल्कुल कोई फ्लैट नहीं मिलेगा। इधर फ्लैट आप लेंगे तैयार होगा और ये नॉन स्टॉप बिल्कुल ये किसी वक्त भी ना खाली होने वाली पोजिशन में है। सामने नस यूनिवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा आवाम यहाँ पर है कि यहाँ पर ये फ्लैट पूरे करना ही मुश्किल हो रहा है। हर रोज़ लोग कंटिन्यू आते हैं लेने के लिए, हमें फ्लैट दें, बंदे ज़्यादा हैं फ्लैट कम है, इसलिए यहाँ पे रेंटल मार्जिन एक अच्छा मार्जिन। कहीं पे अगर एक 5 मरले का घर आपका 20,000-22,000 पे लगता है तो यहाँ पे
टू बेड अपार्टमेंट आपका कम अज़ कम रेट भी 35,000 से स्टार्ट है। आपको ऑल ओवर पाकिस्तान इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करें H13 के अंदर, जिसके रेट हर रोज़ उनकी सोच से भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ना पे यहाँ पर कोई डाउन साइजिंग का कोई इशू है, ना कोई ऐसी बात है कि जिससे रेट गिरना शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पर हर रोज़ रेट रिवाइज़ हो रहे हैं, हर प्रोजेक्ट के हर लेंटर के साथ रेट रिवाइज़ होते हैं। आज एक प्रोजेक्ट अगर 50 लाख है तो वो 15-18 महीने के बाद जब लेंटर डलते जाते हैं आगे, तो फिर वो जाके कहीं 78-80 लाख रुपए पे खड़ा हो जाता है। मतलब इन्वेस्टर के लिए ये चार्मिंग पॉइंट है हर तरह से। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे इसके नाम के बारे में पूछता हूँ। जिस तरह ये सेक्टर H13 है और आपका नाम जो अपार्टमेंट्स का नाम है इस प्रोजेक्ट का, तो वो 13 हाइट्स है, तो ये नाम आपने कैसे सोचा है H13 की, मतलब ये कम्बिनेशन ना? इसके लिए हमने तकरीबन मशावरत की है 1 महीना, जिसमें बहुत सारे नाम आए हैं, बहुत सारे गए हैं। फिर हमने ये सोचा है कि हम एक नई चीज़ को लॉन्च करें उसी जगह पे बैठ के। तो अब ये हम H13 के अंदर बैठे हैं, तो ये ना सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट H13 हाइट्स के नाम से है, हमारा 13 रियल स्टेट, 13 बिल्डर एंड रियल्टर, 13 मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये सारे नाम हम 13 को अपना लोगो बना के चल रहे हैं। होटल टाइप या कुछ इस तरह की तरतीब दें, लेकिन यहाँ पे गार्डन कहीं भी कोई ऐसी जगह पे नहीं है। जैसे आप ये जितने सराउंडिंग में फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, आप इनकी छत पे जाके देख लें, रूफ टॉप बिल्कुल इनका प्लेन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो डिफरेंट हो या नई हो यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक सरप्राइज़ जगह बनाएंगे इसको ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती जी। तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, 13 अपार्टमेंट्स के ओनर्स की आपने गुफ्तगू सुनी, उनके ओनर की और उनके को ओनर की। तो अगर आप मार्केटिंग करवाना चाहते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान हबीबुर रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।